नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की तमाम 25 खबरों पर। सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा शुरू, दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार, विदाई देने सड़क पर उमड़े सैकड़ों लोग। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचा नवासा, सूनी आंखों से भीड़ के बीच नाना नानी को कोसता रहा। जनरल रावत को 28 साल पहले पाकिस्तानी गोली लगी, 6 साल पहले हेलीकॉप्टर क्रैश से बचे। रात भर टेंट और सामान समेटते रहे आंदोलनकारी, दोनों बॉर्डर से 100 से ज्यादा ट्रैक्टर हो चुके रवाना। जामनगर में दो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव, राजस्थान के ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आई थी महिला, दिल्ली में कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इसराइल 10 दिन के लिए बढ़ाएगा ट्रैवल बैन और क्वारंटाइन नियम। महाराष्ट्र में गधी के दूध को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा जा रहा है, 1 लीटर दूध की कीमत 10,000 रुपए। सिंगापुर में बूस्टर डोज लगवा चुके दोनों लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण, इसमें से एक जर्मनी से लौटा। दुल्हन बनी कटरीना ने पहना 17 लाख का लहंगा और 7 लाख की अंगूठी, हीरे से जड़ा मंगलसूत्र भी बना अट्रैक्शन। रोहतक सुपप को आज मिलेंगे नए VC, फिल्म अभिनेता और महाभारत के युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान संभालेंगे पद। नए वेरिएंट को लेकर CM की चिंता, मुख्यमंत्री बोले तैयारी पूरी मगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में नया संक्रमण ना आए। इंडियन एयरफोर्स में 317 विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवारों के लिए 30 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। पारदर्शिता पर फोकस, मेटा और इंस्टाग्राम के विज्ञापन पर कसी गई लगान, अब देने होंगे डिस्क्लेमर। सोशल मीडिया से बदला देसी गर्ल का फैशन, कंगना की डिजाइनर बोली स्मॉल टाउन गर्ल्स स्टाइल में किसी से पीछे। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पर पूरी तरह बैन की तैयारी, सरकार ने कहा अगले साल तक बनाएंगे सख्त कानून। पंजाब में ओमिक्रॉन का केस नहीं, कोरोना मरीज की गिनती लगातार बढ़ रही, डिप्टी CM सोनी के दावे के बावजूद आधे ही टेस्ट हो। दुर्ग में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, विदेश से लौटे 29 लोग की पहचान नहीं, जांच से बच निकली गलत एड्रेस। बूस्टर डोज पर कल हो सकता है फैसला, एक्सपर्ट कमेटी करेगी मीटिंग, कोविड शील्ड को मंजूरी दे चुका है DCGI। जर्मनी में 5 से 11 साल तक के बच्चों को मिलेगी वैक्सीन, वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमीशन ने की थी सिफारिश। पटना में 8 इलाकों में कोरोना का बड़ा खतरा, खाजपुरा में मास्क तक नहीं लगा रहे लोग, जबकि तेजी से बढ़ रहे मामले। सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू, भाजपा सांसद स्वामी को CDS हेलीकॉप्टर क्रैश में साजिश का शक, कहा सरकार के अधीन ना हो जाते। इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, अनुमतियों के लिए दफ्तर के चक्कर घटेंगे। भोपाल की 187 पंचायतों में होंगे चुनाव, 13 दिसंबर से भरे जाएंगे नामांकन। भोपाल सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी में, फिर 8 केस, इंदौर में 3 बच्चे संक्रमित मिले। गुजरात के जामनगर में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केस, आए थे संक्रमित के संपर्क में। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।